24 नवंबर को ना मेरी नन का बर्थडे था, तो उनके लिए मैंने केक बेक किया था घर पर ही, बिल्कुल बेकरी स्टाइल में। तो उसे रिकॉर्ड कर लिया था आप सबके लिए, इतने दिनों से अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि आप मिनी व्लॉग्स तो देख ही रहे हैं, मैं ट्रिप पर थी। तो चलिए आज इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो ये जो प्रीमिक्स होता है वैनिला प्रीमिक्स, ये मार्केट में आपको आराम से मिल जाता है। ये केक प्रीमिक्स 500 ग्राम 100 रुपये का आता है सिर्फ। तो इसको मैंने ले लिया है, 2 कटोरी मैंने लगभग लिया था इसको, और पानी के साथ जैसा बैटर हम बनाते हैं केक के लिए वैसा बैटर मैंने बना लिया है। सिर्फ पानी डालना है, बाकी आपको अदर कुछ भी ऐड नहीं करना है इसमें, शक्कर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है। तो बस पानी के साथ कुछ इस तरह का बैटर मैंने बना लिया है। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच मैं इसमें तेल डाल दूँगी, क्योंकि 2 कटोरी लिया है इसलिए 1 बड़ा चम्मच डाल रही हूँ। यदि आप लोग 1 कटोरी का बना रहे हैं तो आप लोग का आधे चम्मच तेल में भी हो जाएगा या 1 छोटी चम्मच। तो बढ़िया, मैंने जो केक टिन है उसको कर लिया है यहाँ पे बटर से ग्रीस, और मेरे पास ना बटर पेपर अवेलेबल नहीं था तो मैंने सिंपल पेपर को बटर लगा के बटर पेपर बना लिया है। आपके साथ भी यदि ऐसा हो, कभी बटर पेपर अवेलेबल ना हो घर पे, तो जो सिंपल पेपर होता है उस पर हल्का सा आप बटर लगा लें दोनों साइड से, तो वो बटर पेपर बन जाएगा। और फिर उसमें मैंने डाल दिया है ये बैटर मेरा जो मैंने बनाया हुआ था केक का। और ये बैटर ना आप जब बना रहे हैं तब आप इसको तुरंत ही डालें, क्योंकि ये इसको ज़्यादा देर रखने से इसके अंदर जो बाकी चीज़ें मिक्स होती हैं वो सब का जो इफ़ेक्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो आपका फफी केक नहीं बनेगा। तो इसलिए फटाफट से ये बैटर को यूज़ कर लीजिए। तो इस तरह से मैंने ये डाल दिया है और बताएं, और फिर इसको टैप टैप करके पूरा सेट कर लेंगे। तो आज मैं ना केक गैस पर ही बनाने वाली हूँ, मैं माइक्रोवेव का यूज़ नहीं कर रही हूँ। माइक्रोवेव में ना थोड़ा सा ग्लीची मतलब चिपचिपा सा केक बनता है, और इस पर कढ़ाई पे बढ़िया सा केक बन जाता है। OTG मेरे पास है नहीं, मैं प्लान कर रही हूँ लेने का, देखती हूँ कब तक ले पाऊँगी। और फिर उसके बाद मैंने इस पर कढ़ाई पर इसको प्री हीट होने रख दिया था कढ़ाई को थोड़ी देर पहले ही, इस तरह से एक स्टैंड नीचे रखा है। मैं कुछ भी नमक रेता वगैरह का नीचे डालने के लिए यूज़ नहीं करती हूँ, डायरेक्ट स्टैंड रखती हूँ, और उस पर ये केक का मैंने रख दिया था, और इसको प्लेट से ढक दिया है ऊपर से एकदम लो फ्लेम पे। लगभग 35 मिनट्स हम बेक होने देंगे केक, और 35 मिनट्स में, पर्टिकुलर 35 मिनट्स में ये केक बेक हो जाता है। तो देखिए कुछ इस तरह से मेरा केक फफी फफी सा हो गया है बेक। अब मैंने एक स्टिक डाल के इसको चेक किया, स्टिक पे बिल्कुल भी केक नहीं चिपका, मतलब ये परफेक्टली बेक हो गया है। अब हम स्विच ऑफ करके इसको नीचे रख देंगे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। जब तक ये केक ठंडा हो रहा है तब तक साइड बाय साइड मैं थोड़ी सी क्रीम बीट कर लेती हूँ। ये व्हिपिंग क्रीम अलग से आती है, 150 रुपये का इसका डब्बा आता है, काफ़ी इतना बड़ा डब्बा आता है, और इस डब्बे में आपके जैसा केक आज मैं बना रही हूँ वैसे कम से कम 3 केक आपके बन जाएंगे। तो आप ये बहुत पुराता है लाना, यदि आप लोग आपके बच्चे केक के शौकीन हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, घर में इसको ला सकते हैं। तो ये व्हिपिंग क्रीम मैंने ले ली है, और ये हैंड बीटर जो मेरे पास ऑलरेडी है इससे मैं ये केक को बीट कर लूँगी। मैंने एक्चुअली जब बेकिंग सीखी थी, ये केक बनाना सीखा था, तब मुझे बहुत शौक था, तो मैंने ये सब सामान पहले ही लिया हुआ है। अभी रीसेंट परचेस कुछ भी नहीं है तो मैं आपको किसी भी चीज़ की लिंक प्रोवाइड नहीं कर सकती हूँ। इस तरह से क्रीम को बीट करेंगे तो आपने जितनी 1 कटोरी क्रीम ली है उसकी 4 कटोरी क्रीम आपकी बन जाएगी। ये राउंड टेबल भी मेरा काफ़ी पुराना है आज के टाइम में, तो ये आपको अमेजोन मीशो फ्लिपकार्ट और लोकल मार्केट में भी आसानी से मिल जाएगा। और ये देखिए कितनी आसानी से मेरा केक निकल गया। और जनरली मैं 3 लेयर कट करती हूँ, लेकिन आज मैंने 2 ही लेयर कट करी थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा जल्दी था बनाना, मैं ज़्यादा टाइम इसमें नहीं दे सकती थी। और इस तरह से मैंने कार्डबोर्ड जो पुराना ही पड़ा हुआ था, जब केक वगैरह आते हैं मार्केट से या कहीं से और उनका रहता है, तो मैं उसको वॉश करके रख लेती हूँ। थोड़ी सी क्रीम उस पर लगा के मैंने ये एक बेस का टुकड़ा इस पर रख दिया है, और इस पर सादा पानी जो अपनी सादी बिस्लरी की बॉटल होती है उसके ढक्कन पे मैंने होल कर दिया और इस तरह से डाल दिया है। इस पर सादा पानी ही डाला है, शुगर सिरप वगैरह नहीं डाला है, क्योंकि क्रीम जो होती है ना वो ऑलरेडी बहुत स्वीट होती है, तो शुगर सिरप डालने की आपको नीड नहीं है। और ये मेरा तरीका है, मैं इस तरह से ना पाइपिंग बैग में भरकर ही क्रीम सादी भी यूज़ करती हूँ, तो ये इस तरह से मैं ग्लास में पाइपिंग बैग करके कर लेती हूँ, थोड़ा सा वो इजी हो जाता है और गंदा वगैरह कम होता है, जैसे पाइपिंग बैग आपका साफ़ सुथरा रहता है उसके बाद। फिर भी थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है क्योंकि अब प्रोफेशनल बेकर नहीं हूँ मैं। और फिर इस तरह से मैं ना केक पर पूरे उसकी हेल्प से, पाइपिंग बैग की हेल्प से क्रीम लगा दूँगी 1 लेयर।
और फिर कोई भी बड़े से नाइफ या किसी भी चीज़ की हेल्प से आप इसको प्लेन कर लें थोड़ा सा एकदम ऐसे राउंड करके। और यदि आपके पास राउंड टेबल नहीं है ना तो कोई इशू नहीं है, एक बड़ा सा आपके हाइट से मतलब जिससे आपको कंफर्टेबल हो वैसा डब्बा लें और उसके ऊपर थाली उल्टी करके रख लें और वो आपके राउंड टेबल के जैसे काम करेगा। और फिर यहाँ मैंने लिया है पाइनएप्पल का क्रश, क्योंकि मैं पाइनएप्पल फ्लेवर बना रही थी, सबको हमारे यहाँ पाइनएप्पल फ्लेवर बहुत पसंद आता है, तो ये मैंने पाइनएप्पल का क्रश लिया है और उसको भी अच्छी तरह से पूरे केक पे फैला दिया है। और अब इसके ऊपर हम रखेंगे दूसरी जो हमारी एक और केक की लेयर थी, वो थोड़ा सा ज़्यादा क्रश लगाया क्योंकि दो ही लेयर है तो फ्लेवर अच्छी तरह से आना चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा क्रश लगाया है। और फिर उसके बाद अब इस पे हम रख देंगे हमारी दूसरी लेयर और उस पर भी लगाएंगे शुगर सिरप और कुछ तरह इस तरह से क्रीम की भी हम वही प्रोसेस को दोहराएंगे। साइड से भी साथ साथ में क्रीम हम लगाते जाएंगे जिस तरह से मैंने वीडियो में दिखाया है पाइपिंग बैग की हेल्प से, ताकि बाद में हम एक साथ इसको प्लेन कर सकें। और पहले तो मैंने ऊपर की कर ली थी, फिर साइड में भी क्रीम लगा ली। और अब जो स्क्रैपर है मेरे पास ये डिज़ाइन वाला, इससे मैं कुछ इस तरह की डिज़ाइन इस पे कर रही हूँ। आप लोगों के पास यदि स्क्रैपर नहीं है तो आप प्लेन भी रख सकते हैं, प्लेन नहीं रखना हो तो आप कोई भी ऐसी प्लेट की हेल्प से स्क्रैपर जैसा यूज़ ले सकते हैं, और नहीं तो जो कड़क प्लास्टिक वगैरह होता है उसको भी एज स्क्रैपर यूज़ कर सकते हैं। तो उससे मैंने साइड में कुछ इस तरह की डिज़ाइन दे दी। और अब मुझे बहुत सिंपल सा इसका लुक रखना है, बहुत लेस क्रीम में मुझे इसे बनाना था। सबसे पहले तो मैंने थोड़ा सा साइड साइड से क्लीनिंग कर ली इसकी, ताकि ये अच्छा दिखे। एज़ मैं कोई प्रोफेशनल बेकर नहीं हूँ तो हाँ, गंदा तो होता ही है, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता ही है, जैसा आप लोग इसमें भी देख रहे हैं, कहीं कहीं से बेस झाग भी रहा है, तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं वो मैटर करता है, घर के लोगों को एक हाइजीन और टेस्टी केक घर में बेक किया हुआ मिलेगा वो मैटर करता है, ना कि शेप मैटर करता है। तो कुछ इस तरह से फिर मैंने एक दूसरा पाइपिंग बैग लिया और ये वाला नोज़ल लिया था फ्लावर वाला, जो मेरा फेवरेट है और ईजी टू यूज़ है। और उसमें क्रीम डाल के थोड़ा सा कलर इस तरह से मिक्स करके मैंने ये वाले फ्लावर की पूरी एक लाइनिंग बना दी थी। ये बहुत इजी बन जाते हैं, वैसे मुझे इजी इसलिए लगते हैं क्योंकि अब काफ़ी टाइम की प्रैक्टिस हो गई है, थोड़े से हार्ड जाते हैं बट हाँ बन जाते हैं ये फ्लावर। तो कुछ इस तरह से मेरा ये बन गया था बेस। बस अब मैंने इसको इतना ही सिंपल रखा है और यूज़ करे हैं अब थोड़े से स्प्रिंकल्स साइड साइड में डालने के लिए कुछ इस तरह से, जो इसके लुक को और बढ़ा देंगे, बहुत खूबसूरत बना देंगे और एक थोड़ा सा ट्विस्टेड भी हो जाता है हल्के से स्प्रिंकल वगैरह डालने से, और इजी भी हो जाता है आपका केक, बहुत कम मेहनत में बहुत सुंदर दिखने लगता है। तो अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरा ये केक आप लोगों को कैसा लगा और रेसिपी भी कैसी लगी। क्या आप ऐसे ब्लॉग्स छोटे छोटे और देखना चाहते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो वो भी बताइएगा। और पता है सबसे वर्स्ट पार्ट क्या होता है किसी भी चीज़ को बेक करने का? ये मैस जो हम लोग क्रिएट कर देते हैं जरा से टाइम में। अब इसको क्लीन करने में मुझे 2 घंटे लग गए, केक बनाने में इतना टाइम नहीं लगा जितना ये मैस क्लीन करने में लगा। देन फाइनली बस मैं केक लेके गई मेरी ननंद के घर पे और उन लोगों का उनका रिएक्शन देखी, उनको कितना अच्छा लगा। देन बस हमने केक कट किया, सब लोगों ने खाया, सबको काफ़ी पसंद आया। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और हाँ, आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स का, टिप्पणियों का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, और कमेंट में बताइए आप नेक्स्ट क्या देखना चाहते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।